सुहान जी ब्रोक लेसनर के फैंस एंड रोमन रेंस के फैंस भी आज हम खुली सी डिस्कशन करने वाले हैं। क्या मतलब अब WWE का फ्यूचर क्या है, मतलब क्या ब्रोक लेसनर एंड रोमन रेंस के कंधों पर ही चलने वाली है WWE। पिछले साल समर स्लैम पर रिटर्न किया था ब्रोक लेसनर ने, इस साल मेन इवेंट करेंगे रोमन रेंस के साथ। मतलब यार कुछ चेंज नहीं आया, सब वही का वही है, मुझे गोलमाल याद आ गई। यस गाइस कुछ ज्यादा ही हो रहा है यार ब्रोक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस, मैं एग्री करता हूं, लेकिन कुछ चीजें मुझे अच्छी भी लग रही हैं। क्यों, मतलब अब कोडी रोड्स नहीं है, इंजर्ड हो चुके हैं, अब रैंडी ओटन नहीं है, वो इंजर्ड हो चुके हैं, दोनों आई थिंक नौ महीने एक तो आ जाता है, नौ महीने बाहर हैं। तो आई थिंक ब्रोक लेसनर को लाना इसीलिए पड़ा WWE को, कि मतलब वापस जनता भी लानी है समर स्लैम पर, बहुत ही बड़े स्टेडियम में होती है समर स्लैम अब रेसलमेनिया की तरह। सो गाइस एक वक्त पर अंडरटेकर मर के वापस आ जाते थे, अब ब्रोक लेसनर मरते तो नहीं है पर फिर भी मतलब पिछली बार हार गए थे, उसके बाद फिर वापस आ गए हैं। इस बार अगर हार गए ना ब्रोक लेसनर तो यार मैं WWE देखना बंद नहीं कर सकता यार, चलो चैनल ही उस पर चलता है अब। पर नहीं यार, मतलब कैसे यार, मतलब बार बार हम फिर वही देखी जाए, मतलब पागल हो जाएंगे यार किसी दिन तो। मेरे ख्याल आज से 10 साल बाद भी मेन इवेंट रेसलमेनिया पर रोमन रेंस वर्सेस ब्रोक लेसनर होने वाला है। विंस मैकमैन को वही पसंद है, विंस मैकमैन को छोड़नी पड़ी WWE, CEO से मतलब CEO से नीचे निकाला गया है एंड स्टेफनी मैकमैन को बनाया गया है, लेकिन फिर भी विंस मैकमैन ही बना रहे हैं मैचेस, क्योंकि स्टेफनी मैकमैन अगर होते तो कुछ और होता। वेल गाइज ये भाई चलने वाला है, अब हमें देखना ही पड़ेगा अगर मतलब बन गया है अब, और ऊपर से स्मैकडाउन अब इतनी बोरिंग हो चुकी है, अब रो अच्छी लगती है मेरे को। याद है आपको लॉकडाउन के वक्त इतनी बोरिंग रो होती थी, स्मैकडाउन ही हम देखते थे, अब मेरे को थोड़ी सी स्मैकडाउन बोरिंग लग रही है। पिछले वाला एपिसोड तो अच्छा था स्मैकडाउन का, लेकिन अब मेरे व्यू पॉइंट की सिंपल सी बात यह है, रोमन रेंस को सबसे बड़ा करने के कारण WWE ने बाकी सुपरस्टार को डुबा दिया है। यस गाइज यही है कारण, मुझे लगता है कि यही चीज़ है कि मतलब हम बार बार रोमन रेंस ब्रोक लेसनर को देखते रहते क्योंकि बाकी सुपरस्टार वो वाला करिश्मा नहीं रखते अब। वेलेस आप अपनी कमेंट्स में टिप्पणी दे सकते हो, कौन है आपका फेवरेट रोमन रेंस या ब्रोक लेसनर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो यस अगर आप यहाँ तक आ गए हो, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब मार देना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना एंड लाइक तो आप मार ही देते हो। मैंने सोहेल, बाय बाय।